फैशन यानी तुम्हारा बनावट श्रृंगार सिर्फ कपड़े घड़ी और जूतों तक सीमित नहीं होता। एक सोसाइटी के पीरियड ऑफ टाइम पे फैशन समाज की प्रॉब्लम्स, सोशल एक्सेप्टेंस के स्टैंडर्ड्स, सोसाइटी के टैबूज और इवन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में बतलाता है। अब एक फैशन ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में मैन या वुमन एक तरीके के कपड़े पहनते हैं, एक ही तरह से बोलचाल रखते हैं सोसाइटी का पार्ट होने के लिए। अब ये कोई बुरी बात नहीं है, पर विद टाइम ये सोसाइटी का फैशन आज की जनरेशन के लिए टॉक्सिक और जानलेवा बन चुका है। आज का फैशन जेन जी का फैशन लोगों को और स्टाइलिश और हैप्पी दिखने के लिए मजबूर कर रहा है, और तुम्हें इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि कैसे हमारी जेन जी फैशन के नाम पे धीरे धीरे खुद को तबाह कर रही है। ये इमेज है यूएसए के 1940s के फैशन की। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है और वर्ल्ड वॉर 2 का एक बहुत बड़ा पार्ट यूएसए का फैशन भी बनता है। यूएसए में काफी सारे कपड़े उस टाइम पे यूएस वॉर प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं, और मेंस फैशन में भी बहुत ही ज्यादा सटल तरीके से मिलिट्री फैशन को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि सबकॉन्शियसली मेन को वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट किया जा सके। यानी कि फैशन सिर्फ सोसाइटी का पार्ट नहीं है, लेकिन सोसाइटी के लोगों को ड्राइव भी करता है। लेकिन विद टाइम हम मेन को पता भी नहीं चला कि कैसे हमारा फैशन सोशल कॉस्ट से कटकर कॉर्पोरेट कॉस्ट की तरफ चला गया। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने फैशन को एज अ वेपन यूज किया अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। एंड विद टाइम एडवर्टाइजमेंट्स और अदर मैनिपुलेशन टेक्निक्स के थ्रू सोसाइटी में एक स्टिग्मा क्रिएट किया गया, यानी कि लोगों के बीच में एक मेंटेलिटी फैलाई गई कि अगर तुम लोग एक तरीके के नहीं देखोगे तो शायद समाज के लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करें। काफी सारी स्टडीज तो आज की डेट में प्रूफ करती है कि तुम्हारे जॉब में हायरिंग डिसीजंस को लेकर तुम्हारा फैशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब तुम्हें मोटा मोटी फैशन का इंपॉर्टेंस समझ आ गया होगा, अब आज के टाइम में चलते हैं। नोटिस करो, ये सारे लड़के एक जैसे दिख रहे हैं, किसी ब्लेड सी भी तीखी जॉल है, तेरे नाम सलमान वाला हेयर कट और काफी ज्यादा पतले। ये है मॉडर्न डे मेन के ब्यूटी स्टैंडर्ड जो सोशल मीडिया ने क्रिएट किए हैं। आज से कुछ साल पहले सोशल मीडिया पे म्यूइंग मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जहां लड़के वीडियोस के थ्रू सोशल मीडिया पे अपनी जॉ लाइन को फ्लेक्स कर रहे थे, और देखते ही देखते ये बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया, और कई सारी यंग फीमेल्स को मेन के अंदर तीखी जॉ वाला लुक काफी ज्यादा पसंद आने लगा। और यहां से म्यूइंग मूवमेंट बन जाता है लुक्स मैक्सिंग। लुक्स मैक्सिंग यानी समाज के लोगों के बीच में कुछ इस तरीके से दिखना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लुक्स मैक्सिंग वायरल हो गया, और लुक्स मैक्सिंग ट्रेंड के चक्कर में कई सारे एक जैसे दिखने वाले इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ ऐसा कंटेंट बनाने लगे जिसमें इनकॉन्फिडेंट लोगों को सिखाया जा रहा था कि कैसे अपनी ठुड्डी को शार्प करें। एंड एज यूजुअल इस शार्प ठुड्डी ट्रेंड का कॉर्पोरेट्स ने काफी फायदा उठाया। मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट है जैसे जॉ लाइन च्युइंगम, मसल शार्पनर, जैसे मर्दों की ठुड्डी को शार्प किया जा सके। तुम लोग मानोगे नहीं, सारे आइटम्स ने मिलियंस में सेल भी करी, और मोर ओवर वापस से कई सारे एक जैसे दिखने वाले डेटिंग कोचेस मार्केट में आ गए लोगों को डेटिंग टिप्स देने के लिए। पर ये सारे इन्फ्लुएंसर डेटिंग टिप्स के नाम पे लोगों को सिखा रहे थे अपनी ठुड्डी को शार्प कैसे दिखाएं। या सोशल मीडिया पे एक स्पेसिफिक लुक ट्रेंड में आया, वही देखते ही देखते फीमेल सर्कल्स के बीच में भी इस लुक्स की डिमांड बनने लगी, और इसलिए ना चाहकर भी डेटिंग गेम का पार्ट बनने के लिए कई सारे मर्दों को फेक प्रोडक्ट्स खरीदने पड़े। इवन कई सारे लोगों ने अपना जॉस का ऑपरेशन कराया टू लुक अ सर्टेन वे। यानी कि जहां पहले फैशन आदमी को एम्पावर कर रहा था, यही फैशन आगे जाके टूल बन गया कॉर्पोरेट्स के लिए लोगों पे प्रे करने के लिए। अब लुक्स मैक्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था दुबला दिखना। एकदम से बिल्कुल ही स्लिम लुक मेन में प्रमोट किया जाने लगा, जिस चक्कर में कई सारे मेन, कुछ को तो मैं पर्सनली तक जानता हूँ, डेडली क्रैश डाइट पर चले गए। और इसी दुबले दिखने की हवस ने काफी सारे फैट बर्नर्स, फेक सप्लीमेंट्स और डाइट्स को प्रमोट किया, जो बिल्कुल हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होती हैं। अब जो फैशन है कपड़े और जूतों तक सीमित नहीं है, फैशन में आती है एसेसरीज। अब मॉडर्न जेंजी फैशन पहले ही बहुत एक्सपेंसिव होता है, और सैडली इसी मॉडर्न डे जेंजी फैशन का बहुत बड़ा पार्ट बनता है वेप। वेप यानी एक टाइप की ई सिगरेट। कई सारे जेंजी लड़के वेप नशे के लिए नहीं लेते, लेकिन वेप्स को इसलिए लेते हैं जैसे सोसाइटी में कूल दिख सकें, और ये सही भी है। देखो मैं सिगरेट वगैरह नहीं पीता हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। काफी सारे सोशल ग्रुप में मेरे को सोशलाइज करने में दिक्कत इसलिए होती क्योंकि मैं नशे नहीं करता। काफी सारे लोग ओवर सिगरेट या ओवर वेप अच्छे से सोशलाइज कर जाते हैं, और इस चक्कर में मैंने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी खोई हैं। पर ऑनेस्टली बोलूं, पॉकेट भेड़ चाल में चल रहे लोगों से एक्सेप्टेंस पाने के लिए मैं नशे तो नहीं करूंगा। How concerned do you think we should be about vaping?
We should be very concerned. I took it roughing up that voice. I know it's so bad. Careful. Well, this isn't good for my voice either. Careful. I think that's basically gonna just kill your body. I don't think it's gonna mess up your voice. But it is in some places being getting convinced as it's like a style statement, so people don't mind trying it. मैं इनको लगता है आज की डेट में फैशन के नाम पे उनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं. लेकिन इन रियलिटी मेजोरिटी ऑफ द मॉडर्न डे जेन ज़ी एक बॉक्स में रखी हुई अलग अलग रंग की बॉलें हैं. सोशल एक्सेप्टेंस और सोशल स्टैंडर्ड्स को ब्रेक ना करने के फियर के कारण काफी सारे मेन अपने फैशन को लेके एक्सपेरिमेंट नहीं करते. देखते देखते हम लोग भेड़ चाल का शिकार बन जाते हैं. लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है. आज का फास्ट पेसिंग वर्ल्ड जहाँ पे तुम लाखों लोगों से रोज मिलते हो, इंसान का अटेंशन स्पैन बिल्कुल लिमिटेड हो चुका है. सोसाइटी में फॉल्स स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी सेट हैं. ऐसी सोसाइटी में जल्द से जल्द एक्सेप्ट होने के लिए तुम्हें भेड़ चाल चलनी पड़ती है. तुमने कोट सुना है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. बट इमेजिन तुम एक बुक कन्वेंशन में जहाँ पे हजारों लाखों बुक हर मिनट ट्रेड हो रही हैं, वहाँ पे द ओनली वे टू जज अ बुक इज बाय इट्स कवर. अब इस एग्जाम्पल में मैं बुक की बात नहीं कर रहा हूँ. और ब्रो कैसा है? सारे लड़के आजकल ऐसे ही बात करते हैं. अब इन फैशन स्टैंडर्ड्स के कारण जेन ज़ी अपनी इंडिविजुअलिटी को खो रही है. और आज का वर्ल्ड जहाँ पे करियर और सोशल ग्रोथ के लिए यू हैव टू वॉक अ सर्टेन वे, टॉक अ सर्टेन वे, स्लोली बट ग्रेजुअली स्टार्ट टू थिंक अ सर्टेन वे. और इस कारण से हम मर्द एक मैट्रिक्स का पार्ट बन चुके हैं. फैशन मैट्रिक्स, डेटिंग मैट्रिक्स, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ. ये मैट्रिक्स तो कई सारी मेन की जान ऑलरेडी ले चुका है.